हेलो एवरीवन, माय नेम इज चारू एंड वेलकम टू इंग्रेस। तो बच्चों, आज हमारे नीट क्रैश कोर्स का अपना चैप्टर जो हम आज करेंगे बेटा नीट क्रैश कोर्स में, वो करेंगे बायोटेक्नोलॉजी, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। कई क्वेश्चंस इसमें हर साल पूछे जा रहे हैं, तो अपन तैयारी करेंगे, अपना कोशिश करेंगे कि भाई आप जितने भी कॉन्सेप्ट आप आज समझो, उन कॉन्सेप्ट से आप कोई भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर गलत ना करके आओ, है ना। तो अपना बिल्कुल पेन कॉपी लेकर एनसीईआरटी खोल कर बैठना है और क्वेश्चंस को जितना मैक्सिमम हो सके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो आप शुरू करते हैं, सबसे पहले कुछ बेसिक्स देखते हैं, बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है। तो देखो, बायोटेक्नोलॉजी मतलब क्या होता है, व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी इज अ टर्म, बायो का मतलब क्या है, कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग सेल पर अगर तुमने कोई भी छेड़छाड़ उससे करने की कोशिश करी या कर रहे हो, है ना, बाय द यूज ऑफ एनी टेक्नोलॉजी, है ना। ऐसे तो नहीं कर सकते किसी भी एक लिविंग सेल पर तुम ऐसे तो उससे छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो ना। तो भाई कोई भी एक लिविंग सेल, लिविंग ऑर्गेनिज्म, डीएनए, आरएनए, है ना, लिविंग प्लांट, उसका सेल, उसका डीएनए आरएनए, या एनी बैक्टीरिया, उसका डीएनए या आरएनए, उसका तुमने जिस उस लिविंग सेल में अगर तुमने उससे कोई छेड़छाड़ करके बाय द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी कोई चीज़ तुम कर रहे हो, बना रहे हो, तो वो क्या है, वो किस चीज़ के अंदर आती है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, है ना। अब ये बायोटेक्नोलॉजी की जो प्रोसेस है, क्या ये कोई नई टेक्निक्स हैं, क्या ये कोई नई अपना मार्केट में आया है या अभी से होना शुरू हुआ है, तो नहीं। ये जो बायोटेक्नोलॉजी की प्रोसेस है, ये सालों साल अपने जो चलती आ रही है। कैसे भाई, तुम घर में जो या घर ब्रेड बनती है ना, छोले भटूरे बना रहे हो, तुम जो भटूरे बना रहे हो, भटूरे का जो डो बना रहे हो, है ना, वो किसके थ्रू बना रहे हो भाई, फर्मेंटेशन होती है उसमें, है ना, CO2 प्रोड्यूस होती है और क्या बनता है, अपना डो बनता है। जितनी ज़्यादा CO2 प्रोड्यूस होगी उतना बढ़िया डो बनेगा, है ना। तो ये भी क्या है, तुमने क्या करा है, उसके अंदर टेक्नोलॉजी लगाई है। तुमने घर में दही जमाई, है ना, घर में जो दही जमाई बाय यूजिंग स्टार्टर, या फिर तुम कहते हो जामुन जिसे जो बोलते हो, है ना। तो वो क्या है, वो स्टार्टर क्या है, उसके अंदर है क्या, उसके अंदर भाई बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस है। उस बैक्टीरिया को तुमने क्या कर दिया, उसको दूध के साथ मिक्स करा, तो भाई तुमने क्या कर दिया, उस दूध, उस स्टार्टर से क्या करा ना, दूध के साथ मिक्स करके उस बैक्टीरिया का ग्रोथ कर दिया और उससे क्या मिल गई, तुम्हें दही मिल गई, है ना। तो इट मींस ये जो बायोटेक्नोलॉजी की प्रोसेस है बेटा, ये सालों साल से चलती आ रही है, बट ड्यू टू टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट अपना क्या कर सकते हैं, हम अब बहुत अच्छे से इन सेल से, लिविंग सेल से, अपने डीएनए आरएनए से बहुत छेड़खानी करके हम इसका अपने यूज़ में बहुत सारी चीज़ों का कर सकते हैं, है ना। थ्रू बायोटेक्नोलॉजी हम बहुत सारी यूजफुल चीज़ें अपना बना सकते हैं, विच आर एसेंशियल, राइट। तो देखो, अपना ई एफ बी के अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन दी गई है, क्या, जिसके अंदर मॉडर्न टेक्नोलॉजी और अपनी जो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी है दोनों का क्या है, एक मिक्स्ड है, एक इंटीग्रेशन है। तो वो डेफिनेशन क्या है, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स, मींस साइंस का इंटीग्रेशन विद लिविंग सेल या विद ऑर्गेनिज्म, सेल्स एंड इट्स पार्ट्स एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स। मॉलिक्यूलर एनालॉग्स मतलब अपना डीएनए या फिर आरएनए, जेनेटिक मटीरियल फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, है ना। अगर हम साइंस का यूज करके किसी भी लिविंग सेल में, मॉलिक्यूलर एनालॉग में या फिर सेल में, किसी ऑर्गेनिज्म में छेड़खानी करते हैं फॉर सम प्रोडक्ट एंड फॉर सम सर्विसेज, इसी इंटीग्रेशन को हम क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। अब भाई जो बायोटेक्नोलॉजी है वो दो कोर टेक्निक्स या बेसिकली दो कोर प्रिंसिपल की वजह से पॉसिबल हो पाई है। कैसे, दो प्रिंसिपल क्या हैं, जो प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है वो दो कोर टेक्निक्स की वजह से पॉसिबल हो पाई हैं। पहली अपनी है क्या, जेनेटिक इंजीनियरिंग जिसे हम कहते हैं, या फिर
रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एक ऐसा डीएनए बनाना मींस एक ओरिजिनल डीएनए से एक ओरिजिनल डीएनए की फॉर्म को चेंज कर कर क्या बनाना, उसी के अंदर कुछ इस ये ओरिजिनल डीएनए में कुछ छेड़खानी करके कैसा डीएनए बनाना, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो अपने यूज का होगा। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो टेक्निक्स टू ऑल्टर द जेनेटिक मटेरियल डीएनए एंड आरएनए, है ना। और जब तुमने इस पे छेड़खानी कर दी तो उसको किस में डालना, उसको होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करना। वो होस्ट कोई भी हो सकता है, वो होस्ट कोई प्लांट भी हो सकता है या फिर एनिमल भी हो सकता है ना। और जब तुमने ये छेड़खानी करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया तो उस होस्ट का क्या करना, फिनोटाइप चेंज जाएगा, है ना भाई। जब तुमने उसके जेनेटिक मटेरियल में छेड़खानी करी है तो उससे क्या होगा, उस होस्ट का फिनोटाइप चेंज होगा। तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, उन रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम क्या बोलते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे कि वो ऑर्गेनिज्म कैसा है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। वो कोई प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, ठीक है। बेसिकली ह्यूमन बींग्स में नहीं किया जाता है ये, क्यों, ड्यू टू सम एथिकल इश्यूज, है ना। अपना हम ऐसे ही किसी भी ह्यूमन का डीएनए जेनेटिकली मॉडिफाइड करके, है ना, ऑल्टर नहीं करते हैं। तो एक तो हो गया ये, दूसरा प्रिंसिपल क्या है, दूसरा प्रिंसिपल है अपना बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। मींस जहां पर तुम ये डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए या जेनेटिक इंजीनियरिंग की प्रोसेस कर रहे हो तो वो कैसे कर रहे हो, किसी ऑर्गेनिज्म में से, किसी भी ऑर्गेनिज्म में से उसका डीएनए निकालोगे, है ना, उसका डीएनए निकालोगे। तो उसके बाद उसको किसी आर्टिफिशियल मीडियम में जाकर, उसको किसी आर्टिफिशियल मीडियम में रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाओगे। इट मींस तुमने ये जो प्रोसेस करी है ये कैसी है, आउटसाइड द सेल है, मींस कैसी है, इन विट्रो है। तो इट मींस जब तुम किसी का ये क्या है, ये जो इन विट्रो प्रोसेस है बहुत ही ज्यादा टेक्निकल है ना। और जब तुम आर्टिफिशियली इसके साथ छिड़कानी कर रहे हो तो जो आर्टिफिशियल मीडियम जो है वो कैसी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा स्टेराइल होनी चाहिए, है ना, स्टेराइल होनी चाहिए, तभी ये प्रोसेस सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसी स्टेराइल मेंटेनेंस, इसी मीडियम को स्टेराइल करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल या फिर माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री मीडियम, है ना, फॉर दी प्रोसेस टू इनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली डिजायर्ड माइक्रोब। मीन्स जो तुम्हें डिजायर्ड माइक्रोब या फिर सेल चाहिए उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। इसके अंदर हम कई प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जैसे कि अपनी एंटीबायोटिक्स, सम वैक्सीन्स, एंजाइम्स, इन सब का प्रोडक्शन करते हैं थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर बायोटेक्नोलॉजी, है ना। इट मींस इट इज ऑफ वेरी मच ऑफ आर यूज, है ना, बहुत अपने यूज में है बायोटेक्नोलॉजी। इसकी मदद से हम कई सारे यूजफुल एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स, एंजाइम्स एंड अदर प्रोडक्ट्स का भी प्रोडक्शन या फिर मैन्युफैक्चरिंग उनकी करते हैं। अब देखो ये जो कॉन्सेप्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग का, ये दो डिस्कवरीज की वजह से बहुत ज्यादा पॉसिबल हो पाया। ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग की प्रोसेस है कि भाई किसी भी लिविंग सेल में छेड़खानी कर दी तुमने, तो ये तुम किस वजह से कर पाए, दो डिस्कवरीज हुई। पहली क्या, पहली है अपनी प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है, बैक्टीरियल सेल में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल
एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ये क्या है? प्लाज्मिड। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए क्या है? ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए क्या है? इट कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, ये इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर सकता है, ठीक है? तो ये अपने लिए क्या है, बहुत ज्यादा यूजफुल डिस्कवरी हुई। द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए फ्रेगमेंट्स कॉल्ड प्लाज्मिड इन द बैक्टीरियल सेल, जो इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर सकता है, जो इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर सकता है ना। और दूसरी चीज क्या, द डिस्कवरी ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस क्या है? एक ऐसी एंजाइम है जो डीएनए को कट करती है एट स्पेसिफिक साइट्स, कुछ स्पेसिफिक साइट्स पर डीएनए को कट कर सकती है ये, ठीक है? तो इसकी वजह से भी जो जेनेटिक इंजीनियरिंग की प्रोसेस है वो इजी हो पाई हमारे लिए। हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस के बारे में आगे भी पढ़ेंगे कि भाई ये होता क्या है। इन एंजाइम्स को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये अपने जेनेटिक मटेरियल डीएनए या फिर आरएनए को कट करने का काम करती हैं, तो इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर्स भी इन्हें कहते हैं, है ना। चलो, ये जो कंस्ट्रक्शन है डीएनए मॉलिक्यूल का किस तरीके से हो पाया या किया जाता है, तो देखो सबसे पहले क्या हुआ, जो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इट इमर्ज फ्रॉम द पॉसिबिलिटी ऑफ लिंकिंग अ जीन एनकोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस विद अ नेटिव प्लाज्मिड। मतलब कि एक प्लाज्मिड के साथ एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को जोड़ने की प्रोसेस हुई, ठीक है? और वो किसमें किया गया, साल्मोनेला टाइफी के डीएनए में किया गया, साल्मोनेला टाइफी के अंदर ये सबसे पहले ये प्रोसेस की गई। कैसे बनाया कि भाई एक डीएनए लिया, ठीक है, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बना, साल्मोनेला टाइफी के अंदर क्या किया गया, एंटीबायोटिक जो रेजिस्टेंट जीन था उसको लिंक किया गया। ये जो प्रोसेस थी किसने करी, स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर ने की गई इन द ईयर 1972। इन्होंने क्या किया, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था, ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को आइसोलेट करा, निकाला, ठीक है, उसका एक पीस ऑफ डीएनए कट किया फ्रॉम प्लाज्मिड, ठीक है, प्लाज्मिड से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इसको आइसोलेट करा और कट कर, आइसोलेट एंड कट किया। द कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन, ये जो तुमने कटिंग करी है डीएनए की किसकी मदद से करी है, थ्रू मॉलिक्यूलर सीजर्स, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जिन्हें हम कहते हैं। ये जो कट पीस है डीएनए का, इट वॉज देन लिंक्ड विद द प्लाज्मिड डीएनए। जो कट पीस है डीएनए का वो किससे लिंक कर दिया गया, प्लाज्मिड डीएनए से लिंक कर दिया गया, ठीक है, प्लाज्मिड डीएनए से लिंक कर दिया गया। अब ये जो प्लाज्मिड डीएनए से लिंक किया है, ये क्या किया, एक तरीके से पेस्ट करा है, ये किस एंजाइम से करा है, थ्रू डीएनए लाइगेज। दीज प्लाज्मिड डीएनए act as vectors to transfer the piece of DNA attached to it. अब ये जो अपना बना है प्लाज्मिड DNA, ये किसकी तरह काम करेगा, ये एक वेक्टर की तरह काम करेगा। इस वेक्टर को हम आगे किस में डालेंगे, होस्ट के अंदर डालेंगे, ठीक है, इस वेक्टर को हम आगे जाके किस में डालेंगे, होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे। जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसमें जो लिंकिंग करी है तुमने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन के साथ, ये पॉसिबल हो पाया है फ्रॉम द एंजाइम्स डीएनए लाइगेज, ठीक है।
अब तुम्हें क्या मिल गया, दिस मेक्स अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग, तुम्हें एक नया रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिल जाएगा, ठीक है। तो ये अपनी प्रोसेस की गई सबसे पहले साल्मोनेला टाइफी के अंदर। अब इस डीएनए को जब तुम ट्रांसफर करोगे इनटू एक्सटीरिया कोलाई, इस डीएनए को जब तुम ट्रांसफर करोगे मींस होस्ट क्या लिया तुमने, होस्ट क्या लिया तुमने, ई कोलाई। ई कोलाई क्या है बेटा, एक्सटीरिया कोलाई क्या है, एक बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया है जो साल्मोनेला से क्लोजली रिलेटेड है। तो अब ये ई कोलाई के अंदर जाके क्या करेगा, इट कैन इजीली रेप्लिकेट, ठीक है, इजीली रेप्लिकेट। ई कोलाई के अंदर क्या होगा, रेप्लिकेशन। जब रेप्लिकेशन होगा तो इस प्रोसेस को हमने क्या मतलब, रेप्लिकेशन से क्या होगा, कई सारी कॉपीज बनेंगी डीएनए की। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोनिंग, ठीक है, क्लोनिंग। तो इट कुड रेप्लिकेट इनटू यूजिंग द न्यू होस्ट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये जो तुमने रेप्लिकेशन की प्रोसेस की है वो किस एंजाइम से पॉसिबल होगी, डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और अपनी मल्टीपल कॉपीज हम इसमें बना सकते हैं। क्लोनिंग क्या है, द एबिलिटी टू मेक मल्टीपल कॉपीज ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, ठीक है। एंटीबायोटिक्स, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन तुमने बनाया है इसकी मल्टीपल कॉपीज बनाना, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्लोनिंग कहते हैं। द मेन बेसिस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मीन्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का मेन पर्पस तो क्या ही है कि हम डीएनए क्लोनिंग कर पाए, है ना। अगर मल्टीपल कॉपीज नहीं बनी तो भी अपनी ये प्रोसेस क्या है, वेस्टफुल हो जाएगी। इट मीन्स क्लोनिंग की प्रोसेस अपना क्या है, बेसिस है फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। देखो ये अपना है फॉरेन डीएनए, ठीक है, ये अपना क्या है, फॉरेन डीएनए। ये अपना है वेक्टर डीएनए जो हम होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे। तो वेक्टर डीएनए को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड, प्लाज्मिड हमने लिया है, ठीक है। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, कट करेंगे फ्रॉम द सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। फॉरेन डीएनए को और वेक्टर डीएनए को हमने कट कर दिया, ठीक है, फॉरेन डीएनए को और वेक्टर डीएनए को हमने कट कर दिया फ्रॉम द सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। जब कट करेंगे तो इन दोनों को जोड़ना है ना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है। तो जोड़ने की प्रोसेस कौन सी एंजाइम करेगी, लाइगेज। अब अपना क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया ना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अब हम क्या किस में डालेंगे, ई कोलाई में डालेंगे। ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ई कोलाई के अंदर डालना या ट्रांसफॉर्म करना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ मूविंग द इंट्रोड्यूसिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट, ठीक है। अब ये ई कोलाई को हम क्या करेंगे, इसमें रेप्लिकेशन होगी। रेप्लिकेशन कौन से एंजाइम के थ्रू होगी, थ्रू डीएनए पॉलीमरेज। And then it can make multiple copies. Cells divide होंगे and multiple copies will form. तो ये जो process है ये क्या है बेटा, यही है अपनी recombinant DNA technology, है ना। यही process हम करते हैं basically DNA के अंदर या कोई भी genetic material के अंदर। अगर हमें छेड़खानी करनी है, alter करना है उसको, तो हम basically इस step से करते हैं। अब ये जो DNA technology है, इनको करने के लिए कुछ टूल्स की जरूरत है, जो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या वो टूल्स हैं। तो ये जो डीएनए टेक्नोलॉजी है, ये बेसिकली इसके जो टूल्स यूज किए जाते हैं, इसके अंदर यूज की जाती हैं कुछ एंजाइम्स, ठीक है, वेक्टर डीएनए, डिजायर डीएनए जो अपने को चाहिए, एंड होस्ट सेल जो इसके अंदर हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। ये अपने क्या है, चार टूल्स हैं ऑफ टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए
टेक्नोलॉजी। एंजाइम्स पे आते हैं, एंजाइम्स कई तरीके की हो सकती है। पहली है अपनी लाइसिंग एंजाइम्स। लाइसिंग एंजाइम्स क्या होती हैं? जैसे कि लाइसोजाइम, लाइसोजाइम तुमने सुना होगा। लाइसोजाइम का काम है बैक्टीरिया की सेल वॉल को डाइजेस्ट करना। सेलुलेज या फिर पेक्टिनेज प्लांट की सेल वॉल को डाइजेस्ट करने का काम करती है। काइटिनेज जो फंगल सेल वॉल को डाइजेस्ट करने का काम करती है। एंड लाइपेज जो क्या करती है, सेल मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करती है। क्यों? अपनी सेल मेम्ब्रेन किससे बनी है? फॉस्फेट एंड लिपिड से बनी है, तो लाइपेज उसको डाइजेस्ट करने का काम करती है। तो ये लाइसिंग एंजाइम्स होती हैं। और कौन सी होती हैं? दूसरी होती है अपनी क्लीविंग एंजाइम्स। क्लीविंग एंजाइम्स वो एंजाइम्स होती हैं जो डीएनए मॉलिक्यूल्स को कट करने का काम करती हैं। ठीक है, अब ये जो कट करती हैं, ये दो तरीके से डीएनए को कट कर सकती हैं। ये दो तरीके से डीएनए को कट कर सकती हैं। कौन से दो तरीके? अगर वो डीएनए को फ्रॉम द एंड्स कट कर रही हैं, फ्रॉम द एंड्स कट कर रही हैं, तो उन एंजाइम्स को हम कहते हैं एक्सोन्यूक्लिएसेस। ठीक है, अगर डीएनए कट हो रहा है फ्रॉम द एंड्स, तो उसको हम बोलते हैं एक्सोन्यूक्लिएसेस, है ना। बट अगर हमने डीएनए को मिड से कट करा है, या फिर एक स्पेसिफिक पोजीशन में जो कि क्या है एंड पर नहीं है, ठीक है, एंड पर नहीं है, बट कहाँ है, एट द सेंटर या फिर एट सम स्पेसिफिक पोजीशन ऑफ डीएनए, तो उसको हम बोलते हैं क्या कि उसने कहाँ से कट करा है, एंडो न्यूक्लियसिस। एंजाइम्स को हम बोलते हैं एंडो न्यूक्लियसिस। ठीक है, तो अपने पास दो तरीके की क्लीविंग एंजाइम है। एक है एक्सो न्यूक्लियस जो डीएनए को एंड से कट करेगी, और एक है एंडो न्यूक्लियस जो डीएनए को एट मिड या फिर एट सम स्पेसिफिक लोकेशन विद इन द डीएनए कट करेगी। और कौन सी होती है? अब हम पढ़ते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स का फंक्शन जो अपने को पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज की जाती है, तो अपने पढ़ा है कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर, है ना। मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये डीएनए को जो अपना जेनेटिक मटीरियल उसको कट करने का काम करती है। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन जो एंजाइम्स हैं वो एक लार्ज क्लास ऑफ एंजाइम में आती हैं, एंडोन्यूक्लियस जिन्हें हम कहते हैं। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ही यूज की जाती हैं इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। क्यों? क्योंकि हम इनको इन विट्रो यूज कर सकते हैं। ठीक है, इन विट्रो यूज कर सकते हैं। ये डीएनए को कट करती है इन अ स्पेसिफिक डीएनए सिक्वेंस जो 4 से 8 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। ये जो 4 से 8 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है, इसी को हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन साइट। ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं इसको, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहा जाता है। तो बेसिकली जो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है बेटा, वो डीएनए को इसी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में ही कट करेगी। ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कितने न्यूक्लियोटाइड का बना है? 4 से 8 न्यूक्लियोटाइड का बना है। जैसे कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कैसा होता है, जिसको तुम 5-3 डायरेक्शन में पढ़ो या फिर 3-5 डायरेक्शन में पढ़ो तो सेम होगा। जैसे कि GAA-TTC एंड GAA-TTC, तो ये क्या है, अपना पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। एनसीईआरटी में और एग्जाम है, जैसे कि मलयालम, ठीक है, इसको तुम ऐसे ही पढ़ोगे तो भी ये सेम होगा, मलयालम। क्लियर? जैसे कि मॉम, डैड, ये क्या है, अपने पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। इसको तुम रिवर्स में पढ़ोगे तो सेम ही आएगा अपने पास। तो इन्हीं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पर ही अपनी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट करती है डीएनए को। अब ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, इनकी नेमिंग भी की जाती है। ठीक है, इनको नाम दिए जाते हैं। और कैसे? जो इनका फर्स्ट लेटर है,
जिनका फर्स्ट लेटर है वो किसको इंडिकेट करता है? जीनस को, ठीक है, जीनस को। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं ई को आर्गन का, जो फर्स्ट लेटर है वो क्या शो करेगा? जैसे कि कौन सी एंजाइम? एक्सटीरिया, एस जी, ठीक है, ये जीनस है बैक्टीरिया की। सी ओ किसको कर रहा है? कोलाई, है ना। तो सेकंड लेटर एंड थर्ड लेटर किसको शो कर रहा है? स्पीशीज को शो कर रहा है ना। ये आर क्या है? आर क्या है? आर को शो कर रहा है स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। और वन क्या है? ये इको आर वन क्या है? ये शो कर रहा है कि भाई किस ऑर्डर में इसकी डिस्कवरी हुई है। मींस इको आर वन भी होती है, इको आर टू भी होती है, इको आर थ्री भी हो सकती है। तो ये रोमन नंबर क्या शो कर रहा है? द ऑर्डर इन विच द एंजाइम वर आइसोलेटेड या फिर डिस्कवर्ड। क्लियर, समझ आया? नेक्स्ट आते हैं। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो डीएनए को जब कट करती हैं तो दो तरीके से कट कर सकती हैं, या तो वो स्टिकी एंड बनाती हैं या फिर ब्लंट एंड बनाती है, जिनको हम नॉन स्टिकी एंड कहते हैं। जो ये स्टिकी एंड बनाती है डीएनए पर, तो कैसे बनाती है? जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है डीएनए को कट करती हैं अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, सेंटर से अवे। मींस ये डीएनए है, तो ये सेंटर से अवे, मान लो यहां कट करेंगी, यहां कट करेंगे, तो जिसकी वजह से क्या होता है? अपना ये वाला जो सीक्वेंस है, मान लो ये तो कट हो गया, बचा क्या? अपने हैंगिंग स्ट्रक्चर्स रह गए, ये वाले और ये वाले हैंगिंग स्ट्रक्चर्स रह गए। तो इन एंड्स को हम बोलते हैं कि ये कैसे एंड्स हैं? स्टिकी एंड्स हैं। जबकि ब्लंट एंड में ये नॉन स्टिकी एंड कैसे बनते हैं? जब अपनी जो एंजाइम है वो डीएनए को कट करे एट एग्जैक्टली द सेम न्यूक्लियोटाइड पोजिशन इन द सेंटर। मतलब जब अपना डीएनए कैसे कट हो? कैसे कट हो? एट द सेंटर कट हो। तो ये वाले जो एंड्स बनेंगे अपने क्या कहलाते हैं? ये ब्लंट एंड कहलाते हैं। क्लियर, अपनी स्टिकी एंड बनाने वाली एंजाइम्स कौन सी हैं? इको आर वन, हिन थ्री, बैम एच वन, साल वन। अब ब्लंट एंड वाली होती हैं एस एम ए वन, इको आर फाइव, ठीक है, जे हिमोफ्लुएंजा थर्ड, एस एम ए वन, ये सब अपनी ब्लंट एंड्स बनाती हैं। क्लियर, कुछ एंजाइम होती हैं जिनको हम बोलते हैं सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स, ठीक है। तो ये दो टाइप की हो सकती हैं। पहली होती है अपनी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या काम करती है? आरएनए टेम्पलेट्स बनाती है, या फिर डीएनए स्ट्रैंड बना, मतलब डीएनए स्ट्रैंड पर आरएनए टेम्पलेट्स बनाती है, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज क्या करती है? इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाने में हेल्प करता है। जॉइनिंग एंजाइम कौन सी है अपने पास? जिनको हम मॉलिकुलर ग्लूज भी कहते हैं, डीएनए लाइगेज, जो दो एंजाइम्स को, या फिर सॉरी दो एंजाइम्स को नहीं, जो अपना डीएनए फ्रेगमेंट्स को जोड़ने का काम करती है, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं डीएनए लाइगेज। अब देखो ये प्रोसेस है कि किस तरीके से अपना हम करेंगे आगे। अपना टूल जो है, कौन सा टूल है? एंजाइम्स हो गई। फिर अपना आता है कि वेक्टर। वेक्टर क्या है? वेक्टर बेसिकली एक कैरियर है, ठीक है। वेक्टर क्या है? एक कैरियर है। वो कैरियर यूज किया जाता है कि फॉरेन डीएनए और जो अपना होस्ट डीएनए है उसके अंदर। वेक्टर क्या है? वेक्टर अपना क्या है? वेक्टर एक कैरियर है। कैरियर किसका? जो अपना फॉरेन डीएनए आ रहा है। फॉरेन डीएनए जब हम होस्ट के अंदर डालेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, तो ये बेसिकली क्या काम करेगा? एक वेक्टर का काम करेगा, कैरियर का काम करेगा। तो ये जो वेक्टर है कुछ इस तरीके का हमें दिखता है। PBR322 है इसका नाम, ठीक है। इसके अंदर कई क्या होती हैं? रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं। रेस्ट्रिक्शन साइट्स कौन कौन सी? जैसे कि हिंड थ्री,
बैम एच वन, इको आर वन है ना, साल वन, ये सब क्या है अपनी रेस्ट्रिक्शन साइट्स है, पी वी यू टू, पी एस टी वन, पी वी यू वन, क्लेवन, ये सब क्या है रेस्ट्रिक्शन साइट्स है। दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं इसमें, कौन कौन से, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, क्लियर। एक इसके अंदर होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से रेप्लिकेशन की प्रोसेस ओरिजिनेट होती है, क्लियर। तो ये अपना वेक्टर है बेटा, इसके अंदर क्या होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से रेप्लिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। जब यहां पर इस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पर हम कोई भी डीएनए का पीस लिंक करेंगे, अगर लिंक करेंगे तो रेप्लिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ही क्या कंट्रोल करता है, कॉपी नंबर कंट्रोल करता है ऑफ डीएनए, ठीक है। फिर आता है अपना सेलेक्टेबल मार्कर, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साथ एक वेक्टर को क्या चाहिए कि क्या है, क्या चाहिए उसको, सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर ही क्या करता है, ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को क्या करता है, आइडेंटिफाई करने का काम करता है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को आइडेंटिफाई करने का काम करता है। फिर आता है बेटा अपना रेस्ट्रिक्शन साइट, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन साइट हमने देखी कि कौन कौन सी है, जैसे कि हिन थ्री, इको आर वन, बैम एच वन, साल वन, पी वी यू टू, पी एस टी वन, क्लेवन, ये सब क्या है रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं। इसमें क्या होता है रेस्ट्रिक्शन साइट्स में, द लाइगेशन ऑफ एलियन डीएनए इज कैरीड आउट एट रेस्ट्रिक्शन साइट। जो ये रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं वो कहाँ पर, इन दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन पर प्रेजेंट है। कौन कौन से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, एम्पीसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन, इन पर ही प्रेजेंट है ना। तो अ वेक्टर शुड हैव रेस्ट्रिक्शन साइट, वेक्टर के पास रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए, बट ओनली वन रेस्ट्रिक्शन साइट फॉर ईच एंजाइम, मींस एक एंजाइम के पास कोई एक रेस्ट्रिक्शन साइट ही होनी चाहिए, ठीक है। अब वेक्टर का सिलेक्शन किस बेसिस पर किया जाता है, कि साइज क्या है डिजायर्ड जीन का उस बेसिस पर, या फिर होस्ट टाइप, उसके बेसिस पर अपने को क्या करते हैं, हम वेक्टर का सिलेक्शन करते हैं। इट मीन्स प्लांट्स के अंदर अलग वेक्टर यूज किया जाता है, एनिमल्स के अंदर अलग किया जाता है। तो वो किस बेसिस पे किया जाता है, कि डिजायर्ड जीन कितना, उसका साइज कितना है और होस्ट अपना कौन है, क्लियर। तो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस में ही, इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही, इनके स्टेप्स के अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की प्रोसेस करते हैं। पहला स्टेप क्या है, हम डिजायर्ड जीन को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसको आइसोलेट करेंगे, ठीक है, निकालेंगे इसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से जब हमने डीएनए को आइसोलेट कर लिया, डिजायर्ड जीन को आइसोलेट कर लिया, तो उसको वेक्टर के साथ क्या करेंगे, कट करेंगे विद द सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। फिर उस वेक्टर और आइसोलेटेड जीन को क्या कर देंगे, लाइगेट कर देंगे। अब वो लाइगेशन की प्रोसेस किससे होगी, थ्रू डीएनए लाइगेज। उसके बाद वो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर को हम किस में इंट्रोड्यूस कर देंगे, इनटू द होस्ट सेल। फिर उस होस्ट सेल के अंदर उस डिजायर जीन की क्या करेंगे, हम एम्प्लीफिकेशन करेंगे है ना, और रेप्लिकेशन होगी, क्लोनिंग की प्रोसेस होगी, क्लियर। लार्ज स्केल प्रोडक्शन में हम क्या करेंगे, बायो रिएक्टर्स का यूज करेंगे, क्लियर। ये अपने क्या है, स्टेप्स हैं ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, क्लियर। अब देखो बेटा, अब देखो हम कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं, कुछ क्वेश्चंस पर आते हैं, देखो। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस पर आते हैं, बैक से करना स्टार्ट करते हैं, हम लास्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो, मैच द फॉलोइंग टेक्निक्स और इंस्ट्रूमेंट्स विद देयर यूजेज। बायोरिएक्टर का यूज किया जाता है किस चीज के लिए,
बायो रिएक्टर का यूज किस चीज के लिए किया जाता है बताओ जरा मुझे, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, या फिर प्रोडक्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, या फिर डिटेक्शन ऑफ पैथोजन बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, या फिर टू एम्पलीफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। तो हम बायो रिएक्टर का यूज किस लिए करते हैं बेटा, बायो रिएक्टर का यूज किया जाता है टू प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, हियर टू प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम क्या करते हैं, डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेशन का, सेपरेट करने का काम करते हैं, है ना। पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर में क्या करते हैं हम, एम्पलीफिकेशन करते हैं न्यूक्लिक एसिड्स का, है ना। एलिसा, एलिसा क्या है, एलिसा क्या है, एक टेस्ट है टू डिटेक्ट पैथोजन बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, क्या है, टेस्ट है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ए का क्या है अपना टू, ए का क्या है अपना टू, ये नहीं है। बी का अपना क्या है वन, सी का क्या है, सी का है फोर, अपना आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू, क्लियर। नेक्स्ट देखो स्पूलिंग, स्पूलिंग क्या है, व्हाट इज स्पूलिंग, स्पूलिंग इज एम्पलीफिकेशन ऑफ डीएनए, जी नहीं, स्पूलिंग क्या है बेटा, जब हम आइसोलेट कर दिया अपना हमने डीएनए, तो उसको जब कलेक्ट करते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पूलिंग, कलेक्शन ऑफ आइसोलेटेड डीएनए, क्लियर। तो स्पूलिंग इज कलेक्शन ऑफ आइसोलेटेड डीएनए। देखो कितना इजी क्वेश्चन है जो अपना आ रखा है, पूछे जाते हैं अब बेसिकली नीट में, ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो अपने को स्टेटमेंट बेस्ड भी करते हैं एक बार। एसर्शन क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज यूज्ड इन डीएनए एम्पलीफिकेशन, डीएनए एम्पलीफिकेशन की प्रोसेस में पीसीआर का यूज किया जाता है, क्या ये स्टेटमेंट ठीक है या गलत है, बिल्कुल ठीक है, है ना। रीजन, द एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन इज यूज एज अ सेलेक्टेबल मार्कर टू चेक ट्रांसफॉर्मेशन, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन का यूज किया जाता है किस लिए, एज अ सेलेक्टेबल मार्कर यूज किया जाता है ना, बिल्कुल ठीक है ये, क्या चेक करने के लिए, क्या आइडेंटिफाई करने के लिए, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेंट्स को चेक करने के लिए। तो क्या ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है या गलत है, तो बिल्कुल ठीक है, बट क्या ये इसका सही रीजन है, जी नहीं। अपना आंसर क्या हो जाएगा, एसर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजायरेबल फीचर ऑफ क्लोनिंग वेक्टर, इनमें से क्लोनिंग वेक्टर का कौन सा फीचर अपने डिजायरेबल नहीं है, प्रेजेंस ऑफ अ मार्कर जीन, प्रेजेंस ऑफ सिंगल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट, प्रेजेंस ऑफ टू और मोर रिकॉग्निशन साइट्स, या फिर प्रेजेंस ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, में से हमें को, हमें वेक्टर में क्या नहीं चाहिए बताओ, क्या नहीं चाहिए इसमें से, हमने अपने को वेक्टर में क्या नहीं चाहिए, मार्कर जीन होना चाहिए वेक्टर में, सिंगल रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए, दो से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन होना चाहिए, इट मीन्स अपना अपने को क्या नहीं चाहिए वेक्टर में, कि दो से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट हो, क्लियर। नेक्स्ट देखो, फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये कुछ स्टेटमेंट है हमें बताना है कि कौन सी मोस्ट अप्रोप्रिएट है फॉर एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, बिल्कुल खुद से करने की कोशिश करनी है, कौन कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अकॉर्डिंग। फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, एग्रोज इज अ नेचुरल पॉलीमर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीवीड, ठीक है। नेक्स्ट इज सेपरेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स इन एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ डीएनए। थर्ड इज
डीएनए माइग्रेट्स फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। और अपनी लास्ट स्टेटमेंट है डीएनए माइग्रेट्स फ्रॉम पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड टू नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड। ये चार स्टेटमेंट आप दे रखी हैं, कौन सी सही है अब बता दो और कौन सी सही नहीं है या फिर सारी सही है बताओ। तो भाई हमें पता है एग्रोज क्या है, नेचुरल पॉलीमर है विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीवीड, ये सही है। सेपरेशन जो डीएनए मॉलिक्यूल्स का होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस, वो डीएनए के साइज पर डिपेंड करता है ना। डीएनए माइग्रेट कहाँ से कहाँ तक करता है, फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। तो अपनी स्टेटमेंट ए बी सी क्या है, एकदम करेक्ट है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डीएनए फ्रेगमेंट्स जनरेटेड बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस इन अ केमिकल रिएक्शन कैन बी सेपरेटेड बाय। डीएनए फ्रेगमेंट्स जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस के थ्रू हमने जनरेट करे हैं, बनाए हैं, उनको हम किससे सेपरेट करेंगे। डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेशन का सेपरेट करने का काम कौन करेगा, या उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन मैपिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस। कौन सी प्रोसेस में हम डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने का काम करते हैं, तो हम भाई किस में करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने का काम करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वेक्टर कैन क्लोन ओनली अ स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। इनमें से कौन सा ऐसा वेक्टर है जो क्या करेगा, सिर्फ एक स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए को ही क्लोन कर सकता है। कौन सा ऐसा वेक्टर है, बीएसी, वाईएसी, प्लाज्मिड और कॉस्मिड। बहुत इजी क्वेश्चन है, बीएसी, वाईएसी, प्लाज्मिड एंड कॉस्मिड। जो बेटा अपना प्लाज्मिड है क्या करता है, छोटा स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए को ही क्लोन कर सकता है। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर थ्री। क्लियर। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्लाज्मिड। इनमें से प्लाज्मिड का फीचर क्या नहीं है, इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन, सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, ट्रांसफरेबल है, सिंगल स्ट्रैंडेड है। तो भाई इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर सकता है, सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, ट्रांसफरेबल भी है, तभी वेक्टर की तरह यूज किया जाता है ना, बट इट इज स्टबल स्ट्रैंडेड। तो अपना ये आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। द टैग पॉलीमरेज एंजाइम किससे ऑब्टेन की जाती है, टैग पॉलीमरेज बताओ जल्दी। थर्मासिक्विटिकस, थियोबैसिलस फेरोक्सिडन्स, बैसिलस सब्टिलिस या फिर स्यूडोमोनास फ्यूटिडा। को बताना है किससे ऑप्टेन किए जाती है, तो बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, थर्मासिक्विटिकस से एंजाइम ये वाली ऑप्टेन की जाती है। फॉरेन डीएनए एंड प्लाज्मिड कट बाय सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस। एक फॉरेन डीएनए और एक प्लाज्मिड को कट किया है फ्रॉम सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इट कैन बी जॉइंड टू फॉर्म रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। फिर इनको किससे हम ज्वाइन करेंगे, कौन सी एंजाइम है जो लाइगेशन का काम, सॉरी जो ज्वाइन करने का काम करती है, तो पॉलीमरेज थ्री लाइगेज इक्वायन एंड टैग पॉलीमरेज। तो भाई हम सबको पता है क्या आंसर होगा, डीएनए लाइगेज। क्लियर, डीएनए लाइगेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रोड्यूस ब्लंट एंड, ब्लंट एंड कौन सी एंजाइम प्रोड्यूस करेगी, जो वन हिन थ्री साल वन इको आर फाइव, कौन सी एंजाइम है भाई। ये तीनों कैसी हैं, ये तीनों कैसी हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है जो क्या प्रोड्यूस करती हैं, स्टिकी एंड्स। ठीक है, डीएनए फ्रेगमेंट को किस कहां से काटेंगी, फ्रॉम अवे फ्रॉम सेंटर। इको आर फाइव कैसे एंड प्रोड्यूस करती है, ब्लंट एंड प्रोड्यूस करती है। आंसर क्या हो जाएगा, इको आर फाइव। क्लियर। देखो, इंडिया में
जो ऑर्गेनाइजेशन है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर असेसिंग द सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स फॉर पब्लिक यूज, तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो ये असेस करती है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं वो पब्लिक यूज के लिए ठीक हैं, यूज में हैं, यूज में लाए जा सकते हैं या फिर नहीं, वो असेस करने का काम किस ऑर्गेनाइजेशन का है? तो ICMR, CSIR या फिर RCGM या फिर GEAC। तो अपना जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी है वो इसको असेस करती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ जीन हूज एक्सप्रेशन हेल्प्स टू आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्म्ड सेल इज नोन एज, एक जीन जिसका काम क्या है आइडेंटिफाई करना कि सेल जो है ट्रांसफॉर्म हो गया है या फिर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस हो गई है, ट्रांसफॉर्म सेल को ट्रांसफॉर्मेंट को आइडेंटिफाई करने का काम किसका होता है? वेक्टर, प्लाज्मिड, स्ट्रक्चरल जीन और सेलेक्टेबल मार्कर, किसका होता है बेटा? हमें पता है सेलेक्टेबल मार्कर का काम होता है टू आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इसमें से रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में कुछ उसके कैरेक्टरिस्टिक दे रखे हैं, हमें बताना है इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है। जल्दी से आंसर करो, इनकरेक्ट कौन सा है इनमें से, हमें वो बताना है बेटा। जल्दी देखो, एंजाइम कट्स डीएनए मॉलिक्यूल एट आइडेंटिफाइड पोजीशन विद इन द डीएनए, ये एंजाइम जो है डीएनए मॉलिक्यूल को कट करती है एट सम आइडेंटिफाइड पोजीशन, ये एंजाइम बाइंड करती है डीएनए से एट स्पेसिफिक साइट्स और कट करती है ओनली वन ऑफ द टू स्ट्रैंड, मतलब दो स्ट्रैंड में से सिर्फ एक ही डीएनए स्ट्रैंड को कट करती है। थर्ड इज द एंजाइम कट्स द शुगर फॉस्फेट बैकबोन एट स्पेसिफिक साइट्स ऑन ईच, जो मतलब डीएनए के स्ट्रैंड है किससे बने हैं? शुगर फॉस्फेट बॉन्ड से बने हैं, है ना, उनको कट करने का ये काम करती है। या फिर द एंजाइम रिकॉग्नाइज क्या? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इन द डीएनए, जब वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करेगी और उसी पर डीएनए को कट करेगी। तो इनमें से बेटा गलत क्या है अपने पास? तो अपने पास देखो, ये बिल्कुल ठीक है ना, सम पोजिशन पर कट करती है, डीएनए से बाइंड करती है स्पेसिफिक साइट, बट ओनली कट वन ऑफ द टू स्ट्रैंड, तो भाई डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को कट करने का काम करती है, यही स्टेटमेंट अपनी कैसी है? रॉन्ग है। क्लियर? रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स ऑन वेक्टर PBR322 पर, एंड दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन कौन कौन से हैं जल्दी बताओ? एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन एंड क्लोरामफेनिकॉल, क्लोरामफेनिकॉल एंड टेट्रासाइक्लिन और टेट्रासाइक्लिन एंड कैनामाइसिन। तो भाई दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन कौन कौन से? एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन। क्लियर? नेक्स्ट देखो, सेलेक्टेबल मार्कर का यूज क्यों किया जाता है? अभी पढ़ा सेलेक्टेबल मार्कर क्या करता है, ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को आइडेंटिफाई करने का काम करता है, इट हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सो दैट ट्रांसफॉर्मेंट्स कैन बी रीजनरेटेड। क्लियर? नेक्स्ट देखो, एन एंजाइम कैटलाइजिंग द रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम एंड ऑफ डीएनए, ऐसी कौन सी एंजाइम है जो डीएनए को कट करती है फ्रॉम द एंड्स और फ्रॉम द एंड्स न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करने का काम करती है? इज इट डीएनए लाइगेज, एंडोन्यूक्लियेज, एक्सोन्यूक्लियेज और प्रोटीएज? बहुत इजी क्वेश्चन, एंड से कट कौन करेगा? एक्सोन्यूक्लियेज विल कट द एंजाइम फ्रॉम एंड्स। क्लियर?
मैचिंग है, एंजाइम को मैच करना है फ्रॉम देयर फंक्शंस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का काम क्या है, डीएनए को कहाँ से कट करना, एट सम स्पेसिफिक पोजिशन विद इन द डीएनए, तो इट कट्स द डीएनए एट स्पेसिफिक पोजिशन। क्लियर? तो एक का क्या हो गया बेटा, थ्री, एक का क्या हो गया थ्री, तो ये दोनों ने डिस्कार्ड कर दिए। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहाँ से कट करेगी, एंड्स ऑफ डीएनए, रिमूव्स न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम एंड्स ऑफ डीएनए, तो बी का क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा फोर्थ। ये भी गलत हो गया, अपना आंसर बच्चे क्या सी। डीएनए लाइगेज क्या करती है, जॉइन द डीएनए फ्रेगमेंट्स, है ना। एंड टॉक टैग पॉलीमरेज क्या है बेटा, इट एक्सटेंड्स प्राइमर, ठीक है। अपना आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर टू। क्लियर? रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है इस क्वेश्चन में। रेस्ट्रिक्शन मतलब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पे भर भर के क्वेश्चन है, और इसकी टूल्स से मतलब कि बेसिकली इसकी जो पूरी प्रोसेस है अपने को अच्छे से पता होनी चाहिए हर एक स्टेप। तो अपना रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बेसिस पर। स्टिकी एंड्स कैन बी जॉइंड बाय यूजिंग डीएनए लाइगेज, जो स्टिकी एंड्स हैं उनको जॉइन कर सकते हैं यूजिंग डीएनए लाइगेज। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ईच रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फंक्शंस बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ अ डीएनए सीक्वेंस, हर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस उसको देखकर फंक्शन करती है। दे कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एट पैलिंड्रोमिक साइट, ये पैलिंड्रोमिक साइट पर ही डीएनए के स्ट्रैंड को कट करती है, और ये यूजफुल है इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो भाई अपना रॉन्ग स्टेटमेंट इससे बतानी है, दिस इज करेक्ट एंड दिस इज करेक्ट, बट दिस इज रॉन्ग। स्टिकी एंड्स कैन बी जॉइंड बाय यूजिंग डीएनए लाइगेज, दिस इज रॉन्ग। क्लियर? नेक्स्ट देखो, द सीक्वेंस दैट कंट्रोल्स अ कॉपी नंबर ऑफ द लिंक डीएनए इन द वेक्टर, कौन कॉपी नंबर को कंट्रोल करता है वेक्टर में, रिकॉग्निशन साइट, सेलेक्टेबल मार्कर, ओराई साइट, या फिर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो अभी हमने देखा था कॉपी नंबर को कंट्रोल करने का काम बेटा किसका होता है, ओराई का होता है, ठीक है, ओराई का होता है। आप इसमें से बताना है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कौन सा होता है, फॉर इको आर वन, फॉर इको आर वन पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कौन सा होता है, जल्दी देखकर बताओ। देखो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इको आर वन के लिए क्या है, जी ए ए टी टी सी एंड सी टी टी ए जी, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा बेटा, अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू। क्लियर? बिल्कुल होने वाला है क्वेश्चन, जल्दी बिल्कुल देखो। चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग, बेटा थकना नहीं है, ठीक है। देखो चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग, करेक्ट पेयर बताना है इनमें से। एक्सोन्यूक्लियस का काम क्या है, मेक कट्स एट स्पेसिफिक पोजिशन विद इन डीएनए लाइगेज, जॉइन द टू डीएनए मॉलिक्यूल, पॉलीमरेज, ब्रेक द डीएनए इंटू फ्रेगमेंट्स, न्यूक्लियसिस, सेपरेट टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। तो न्यूक्लियसिस का काम क्या होता है, सेपरेट टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, जी नहीं, पॉलीमरेज, इट ब्रेक द डीएनए इनटू फ्रेगमेंट, तो नहीं, तो रेप्लिकेशन में काम आता है। लाइगेसिस, जॉइन द डीएनए मॉलिक्यूल, तो बिल्कुल सही, लाइगेज का काम क्या होता है, डीएनए मॉलिक्यूल को जॉइन करना, है कि नहीं, क्लियर। आप देखो फर्स्ट डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन सी है, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिस्कवर्ड कौन सी थी बेटा, दैट ऑलवेज कट्स डीएनए एट पर्टिकुलर पॉइंट यूजिंग अ सीक्वेंस ऑफ सिक्स बेस पेयर। तो अपनी कौन सी थी अपनी फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस,
बेटा वो थी अपनी कौन सी, हिंड टू, ठीक है, हिंड टू थी अपनी फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज जो डीएनए को कट करती थी एट ए स्पेसिफिक सीक्वेंस, जो किससे बनाता है, सिक्स बेस पेयर से। क्लियर? नेक्स्ट देखो लास्ट क्वेश्चन अपना, अ स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस आइडेंटिफाइड बाय एंडोन्यूक्लिएसिस टू मेक कट्स एट स्पेसिफिक पोजिशन विद इन डीएनए। डीएनए में डीएनए को कट करने का काम कौन करता है, जो कि क्या है, एक ऐसी एंजाइम है जो एंडोन्यूक्लिएज है ना, और वो एक स्पेसिफिक पोजीशन पर ही डीएनए को कट करती है। तो उन सीक्वेंस को या उन पोजीशन को क्या बोला जाता है जहां पर वो एंडोन्यूक्लिएज डीएनए को कट करती है, उन सीक्वेंस का नाम पूछा है। तो डीजनरेट प्राइमर सीक्वेंस, सेकेंड अपने पास ओकाज़ाकी सीक्वेंस, थर्ड वी हैव पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, और फोर्थ है अपना पॉली ए टेल सीक्वेंस। हमें पता है क्या कि भाई जल्दी बता दो आंसर, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पर ही डीएनए कट होता है बाय द एंजाइम एंडो न्यूक्लियस। क्या उन पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कर ही एंडो न्यूक्लियस डीएनए को कट करने का काम करती है बेटा। तो ये थे अपने कुछ क्वेश्चंस बायोटेक्नोलॉजी के, और भी कई क्वेश्चंस हो सकते हैं ना, कर सकते हैं हम लोग, बट हमने क्या किया है, मेजर जो प्रीवियस ईयर में लगातार जिस टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको उठाया, ठीक है। बाकी जब आप अब इस चैप्टर के प्रैक्टिस करने बैठोगे क्वेश्चंस, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस या फिर सारे क्वेश्चंस आप नीट में बिल्कुल ठीक करके आओगे, ऐसे चांसेस हम ऐसा होप रखते हैं। अपना प्रैक्टिस और करते रहो, क्लियर, अपना कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करते रहो। बाकी मिलते हैं अपना किस में, नेक्स्ट क्लास में, एक नए लेक्चर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।